काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। देश भर में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के लिखे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के द्वारा बड़ा बयान दीन का। उनके द्वारा कहा गया कि अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह के चुनाव हारे के बाद उनका बेटा और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के यह बड़ा बयान सामने आवा है, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सुपड़ा साफ होने के कारण उनके द्वारा पूर्व सीएम के योजना का माना गया। उनके द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बड़ा कारण मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम के द्वारा लागू की जाने वाली लाडली बहना योजना बनी। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली ने शैल महा पूजा अपना पंचे से बजरन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि जयवर्धन सिंह के द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फायदा भाजपा का पहले विधानसभा चुनाव में मिला रहा और एक अरसर अब लोकसभा चुनाव में देखा गया। ये दौरान जयवर्धन सिंह के द्वारा एक और बड़ा दावा कही के कहा गया कि नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन सका था। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के द्वारा कहा गया कि देश भर के विपरीत मध्य प्रदेश में जो परिणाम सामने आए हैं, एक उम्मीद के हुक नहीं रही। देश भर में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के लेके उनके द्वारा कहा गया कि अब कुछ हो सका थे, के व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सका थे, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू भलाए भारत के प्रधानमंत्री बन सका था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मिली करारी हार का लेके जयवर्धन सिंह के द्वारा कहा गया कि पर बारीकी से मंथन करे की जरूरत थी। मध्य प्रदेश में जो नैरेटिव सेट हो चाहत रहा वो नहीं सेट हो पावा। जयवर्धन के एक और बड़ा बयान सामने आवा है। उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क महा। सजग रही, सतर्क रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। इजाजत, प्रणाम। सर, देश के कैसे परिणाम देख रहे हैं आप? देश में जो बड़े बड़े आंकड़े एग्जिट पोल और भाजपा के सभी दिग्गज नेता बता रहे थे और मोदी जी के शपथ ग्रहण के बारे में जो पहले से ही वो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वो सब चौपट हो गया है। वर्तमान में जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं उसमें लगभग भाजपा के 240 सीटें के आसपास है और जो उनके गठबंधन में जो अन्य साथी हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, जो हमें जानकारी मिल रही है कि दोनों पार्टी जो है टीडीपी और जेडीयू वर्तमान में ये कह रही है कि उनके नेता अभी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। और जहां तक सवाल इंडिया गठबंधन का है, मैं मानता हूं जो प्रदर्शन हमारा हुआ है उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी जी की भारत जो यात्रा को जाता है, प्रियंका जी की जो मेहनत थी, खड़गे साहब ने जो मेहनत की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो वहां पर जो उनको सीट मिली है, सपा को ममता बनर्जी को जो सीट मिली है वेस्ट बंगाल में, ऐसे अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के जो साथी, शरद पवार साहब की हम बात करें महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे साहब की बात करें महाराष्ट्र में, सबने मिलके जो आंकड़ा जो हासिल किया है, डीएमके की हम बात करें तमिलनाडु में, तो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से हमारा गठबंधन बना था कि सभी लोग, सभी राजनीतिक दल जो सांप्रदायिक सद्भाव और एकता में विश्वास करते हैं, जब सब एक आए तो कहीं ना कहीं जो कुर्सी मोदी जी की थी हिल गई। ये बात सही है कि जो परिणाम मध्य प्रदेश में आए ऐसी हमको उम्मीद नहीं थी। हम सभी बहुत अफसोस है इस बात का कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है।